अगर आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आज हमने मॉर्निंग में ही आपको यहां पर फिन निफ्टी के और बैंक निफ्टी के ये सब कुछ हमने आज आपको मॉर्निंग में लेवल्स अपडेट कर दिए थे। और आप जानते हैं कि हमने आपको मॉर्निंग में ये एम पैटर्न हमने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था 850 पर कि ये हमारा एम पैटर्न बना हुआ है, ये इसका टारगेट हमारा ये रहेगा। तो बाद में ये आपको पता है कि फिन निफ्टी हमारी यहाँ तक डाउन साइड आई थी, तो ये टारगेट आज हमारा अचीव हो गया था। और दूसरा, हमने आपको फिन निफ्टी में ये इम्पॉर्टेंट चैनल भी हमने आपको बताया था, इसके बेसिस पर भी आप ट्रेड ले सकते थे। अगर हम यहाँ की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी हमने आपको इम्पॉर्टेंट लेवल बता दिया था और निफ्टी 50 में भी, तो उसके बेसिस पर हमने आपको यहाँ पर बताया था कि जो हमारा इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस है निफ्टी का वो 17,800 एंड देन 900, और 17 सपोर्ट जो हमारे सपोर्ट थे वो 17,700 और 600 के थे। तो आपको पता है कि आज हमारी मार्केट ने जो 700 तक मार्केट हमारे यहाँ पर डाउन साइड आकर यहीं से मार्केट ने एक पैटर्न फॉर्म किया था 3 बार का, जो कि हमारा आज वहाँ से मार्केट फिर हमारी अब बाउंस बैक हुई थी और मार्केट फिर निफ्टी हमारी 17,800 के अपसाइड क्लोजिंग हुई है। और जो हमने आपको यहाँ पर बताया था उसी के बेसिस पर हमने आपको यहाँ पर आज मॉर्निंग में ही हमने आपको एक ट्रेड आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमने बैंक निफ्टी की आपको उसी के बेसिस पर ट्रेड दी थी कि मार्केट में आज हमारी पुट साइड एंट्री बनने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड हमारी फिर कितनी ज़्यादा गई थी। और उसके बाद हमने आपको ये भी बता दिया था कि ये देखिए एम पैटर्न का जो हमने आपको मॉर्निंग में दिया था उसका टारगेट आज हमारा अचीव यहाँ पर हो चुका था, और उसके बेसिस पर हमने भी यहाँ पर अपनी ट्रेड को लिया था। और देन उसके बाद हमने आपको निफ्टी में ये 3 बार कैंडल हमने आपको बताई थी, और उसके बाद यहाँ से मार्केट आपको पता है कि कितनी ज़्यादा अपसाइड गई थी, यहीं से मार्केट ने हमारी बाउंस बैक मार्केट हमारी यहाँ से अपसाइड गई थी, और आज मार्केट ने इसका यहाँ से लेवल यानी 17,800 का जो हमारा रजिस्टेंस था वो अचीव भी मार्केट ने आज किया था। और बैंक निफ्टी में भी हमने आपको बताया था कि 15 मिनट में हैमर पैटर्न बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे ये 30 मिनट में हैमर पैटर्न बना हुआ था, और हमने आपको डायरेक्ट बताया था कि सीई साइड एंट्री बनेगी। तो यानी जो कुछ भी मार्केट हमारी बन रही थी वो सब कुछ हम आपको मार्केट आवर्स के दौरान अपडेट कर रहे थे। और आपको पता है कि यहाँ से मार्केट हमारी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स निफ्टी बैंक अपसाइड गई थी। तो आप भी इसी तरीके से अगर अपनी टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो दूसरे चैनल्स वाले हैं वो इसके आपसे चार्जेस लेते हैं हर चीज़ आपको अपडेट करने के, लेकिन हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं ताकि आपकी टेक्निकल एनालिसिस आपकी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इसी तरीके से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद प्रियंका कश्यप। आई होप आज आपने फिन निफ्टी में ट्रेड करके अपना काफ़ी सारा प्रॉफिट यहां पर कमाया होगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की मार्केट की, और जानते हैं कि आज मार्केट ने हमारा किस तरीके से मूव किया, यानी जो कल हमने आपको रजिस्टेंस और सपोर्ट बताए थे क्या आज मार्केट आर्ट्स के दौरान वो हमारे यहाँ पर फॉलो हुए या नहीं हुए, ये सब कुछ हम आज अपनी वीडियो में देखेंगे। और दूसरा, ये भी जानेंगे कि कल हमारे फिन निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जो आपके लिए कल मार्केट में रजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फिन निफ्टी की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आज आपको मॉर्निंग में ही ये एम पैटर्न हमने आपको ड्रॉ करके दिया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब इस एम पैटर्न की यहाँ से नेक लाइन ब्रेक हुई, तो यानी मार्केट ने जो ऑलमोस्ट आज अपनी ओपनिंग दी थी यहाँ पर इसी लेवल के पास दी थी, यानी इसी एम पैटर्न की नेक लाइन के पास दी थी। तो आपको यहाँ पर एक डायरेक्ट अपनी पुट साइड एंट्री को लेना था, और इसका टारगेट हमने आपको यही दिया था जो कि आज अचीव हुआ था। और उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो हमारा निफ्टी में ये हैमर पैटर्न हमारा 15 मिनट में बना था, और यही हमारा यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी बना था, और यही हमारा निफ्टी में भी हमारा यहाँ पर एक 3 बार कैंडल हमारी बनी थी। तो इसी के बेसिस पर हमने आज बैंक निफ्टी में अपनी ट्रेड ली थी, क्योंकि जिसका मूव सबसे ज़्यादा होता है वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देते हैं। लेकिन जी यहाँ पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यही सेम हैमर पैटर्न यहाँ पर हमारा बना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते तो आपका टारगेट यहाँ पर 935 इसका रहता, यानी आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर अपने 50 पॉइंट्स आप यहाँ पर आराम से अपने यहाँ से कैप्चर कर सकते थे जब इस हैमर पैटर्न का हाई ब्रेक हुआ।
और उसके बाद की बात करें तो मार्केट यहाँ पर हमारी कंसोलिडेट थी, तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अपडेट कर दिया था कि मार्केट हमारी कंसोलिडेट है, क्योंकि ये वहीं पर कंसोलिडेट थी जो कि हमारा यहाँ पर कल के लिए डिमांड जोन था, क्योंकि आपको पता है कल हमारे लिए डिमांड जोन था, यानी जब जब मार्केट इस लेवल के पास आ रही थी तो मार्केट में हमारी एक बाइंग साइड हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो आज भी ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन की तरह से काम कर रहा था। लेकिन हमने आपको बता दिया था कि जब इसका यहाँ से इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा तो आप अपनी एंट्री को लेकर चल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, फिर आपको यहाँ पर अपना यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट आप यहाँ पर 100% अपना कैप्चर कर सकते थे जब मार्केट ने इस कंसोलिडेशन का यहाँ से ब्रेकआउट दिया। और आप देख सकते हैं कि जो लेवल्स हमने आपको प्रोवाइड करवाए थे यानी 18,896 का, देन हमने आपको कल बताया था 18,935 का और 960 का, और देन हमने आपको जो रेजिस्टेंस बताया था 944 का, और आपको ये हमने एक यहाँ पर स्विंग बताया था 924 का, क्योंकि आपको पता है कि कल मार्केट ने ऑलमोस्ट हमारी यहीं से ही डाउनसाइड सेलिंग दी थी, यानी कल हमारे लिए सप्लाई जोन बना हुआ था, तो आज मार्केट ने अपने वही सभी लेवल्स की रिस्पेक्ट की जो हमने कल आपको बताए थे। आई होप आज आपने इस तरीके से अपनी एक पुट साइड और यहाँ से एक कॉल साइड अपनी पोजीशन बनाकर प्रॉफिट किया होगा। तो चलिए फिर अब ये जानते हैं कि कल के लिए हमारे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जो हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट करें। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये वन डे के टाइम फ्रेम का चार्ट है। कल हमने आपको बताया था कि हमारा जो ये एक पैटर्न बना हुआ था इवनिंग स्टार का पैटर्न, जो कि हमारा यहाँ पर अपसाइड ट्रेंड पर बना था, तो इसके बेसिस पर आज हमारी जो मार्केट ने जब इसका लो ब्रेक हुआ, तो कल हमने आपको बता दिया था कि जब कम मार्केट में कल इसका लो ब्रेक होगा तो आप अपनी पुट साइड एंट्री बनाकर चल सकते हैं। तो आई होप आपने कल हमारी ये वाली वीडियो को देखकर भी आज मार्केट में डायरेक्ट जब इसका लो ब्रेक हुआ तो आपने अपनी पोजीशन को यहाँ पर बनाकर ट्रेड अपना प्रॉफिट किया होगा। तो अब बात करते हैं इसकी, यानी हमने आपको जो ये बताया हुआ है 19,107 का लेवल और 18,000 यहाँ पर 666 का लेवल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। जब तक मार्केट इसका ब्रेक आउट नहीं देती है और इस लेवल का ब्रेक डाउन नहीं देती है, तब तक हमारी मार्केट में एक अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। मार्केट हमारी यहीं पर इसी रेंज के बीच में ही मार्केट हमारी कंसोलिडेट हो सकती है। जब इस रेंज का यानी इन दोनों लेवल्स का ब्रेक आउट होगा तब मार्केट में हमारा कोई अच्छा मूव नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर फर्स्ट 3 डेज हमारी यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट थी, देन अब 3 डेज मार्केट हमारी सिर्फ इसी रेंज के बीच में यहाँ पर घूम रही है। यानी ये हमारी वन डे की कैंडल्स आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है हमारी यहाँ पर 946 और देन यहाँ पर मार्केट जो है हमारी 18,842, यानी इसी के बीच में मार्केट हमारी घूम रही है। जब इसका यहाँ से ब्रेक आउट होगा, अब इस रेंज का जब ब्रेक आउट होगा, देन हमें मार्केट में फिर से अपनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हमारे लिए तो फिर फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 19,107 का और 18,842 का यहाँ पर रहने वाला है। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम की भी बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले मार्केट हमारी इस लेवल्स के बीच में कितनी ज़्यादा कंसोलिडेट थी, तो अब मार्केट जो है हमारा 18,842 का और 19,046 का, यहाँ पर मार्केट अब इनके बीच में कंसोलिडेट हो चुकी है। तो अब मार्केट में अगर कल इन दोनों लेवल्स का अप या डाउन साइड हमें ब्रेक हुआ तो हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस यानी फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा, और देन डाउन साइड अगर हमारा ब्रेकआउट हुआ तो हमारे लिए जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा फिर हमारा यही लेवल रहने वाला है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और आज हम आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाले हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। जब हमारी 4 आवर की हमारी फर्स्ट कैंडल बनती है, अगर उसका हाई ब्रेक हो तो आपको कॉल साइड एंट्री लेनी है, जब उसका लो ब्रेक हो तो आपको पुट साइड एंट्री लेनी है। जैसे कि आज भी मार्केट में बात करें तो यहाँ पर आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पर आपको शो हो रही थी, जब इस कैंडल का यहाँ से हाई ब्रेक हुआ तो आप अपनी यहाँ पर नेक्स्ट पोजीशन को बनाकर आप यहाँ पर चल सकते थे, यानी अपनी कॉल साइड एंट्री को आप बना सकते थे। और आपका जो फर्स्ट टारगेट रहता वो हमारा यहाँ पर मंडे का यहाँ पर हमारा रहने वाला था हाई उसका, यानी जो हमारा यहाँ पर 19,048 का हमारा ये लेवल था, ये आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला था, जो कि हमने कल भी आपको वीडियो में बताया था। आई होप आप नेक्स्ट टाइम इस स्ट्रेटजी को अपनी फॉलो करके आप डेफिनेटली मार्केट से प्रॉफिट कमाओगे। तो चलिए फिर अब कल के लिए देखते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन से रहने वाले हैं।
अगर हम ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर आपको बताएं तो आपके लिए जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस रहेगा वो होगा 19,100 का। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस है ऑप्शन चेन के डाटा के हिसाब से। और जो आपके लिए यहाँ पर हमारा सपोर्ट रहेगा वो होगा 18,900। जब इन 100 पॉइंट की रेंज का हमारा यहाँ पर ब्रेक आउट होगा तो आपको देन अपनी कॉल साइड और पुट साइड आपको अपनी एंट्री यहाँ पर लेकर चलनी है। तो हमारे लिए अब फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा रहने वाला है वो है हमारा 18,900 यहाँ पर 50 का लेवल आपका ये है। अब आपके लिए ये फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा जो कि हमारा यहाँ पर मंडे की डेट का हाई है, यानी 25 का हमारा हाई है। और देन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो होगा हमारा यहाँ पर 19,111 का। ये आपके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर रहने वाला है। और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपके लिए होगा वो होगा यहाँ पर 19,180 का। ये आपके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से कल इस लेवल का ब्रेकआउट देती है तो फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा और सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा। और उसके बाद अगर हम अपने सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका यहाँ पर 19,000 का। ये हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा क्योंकि आपको पता है मार्केट ने आज इसके अपसाइड ही क्लोजिंग दी है। और जो सेकंड सपोर्ट है हमारा वो है 18,928 का लेवल। ये आपके लिए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा हमारा यहाँ पर 18,859 का लेवल। ये आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। आई होप आपको अपने सपोर्ट ये रेजिस्टेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो कल आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।